फ्रेंड्स, आज अभी हम पीरियड में क्या सीखने वाले हैं, ओके? क्यूरियोसिटी है थोड़ी सी। मैंने आज तक आपको अलग अलग टाइप्स के अड़ू सिखाए, अलग अलग टाइप्स के हस्त मुद्रा सिखाया, राइट? श्लोक भी सीखा हमने कि वो श्लोक का हमें डांस में यूज होता है, ऐसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था। तो आज अभी हमें हमारा डांस का श्री गणेशा करना है, ओके? तो कौन सी भी चीज़, देखो आपको कुछ ओपनिंग करना है, कुछ न्यू चीज़ सीखनी है, तो पहले हम किसकी पूजा करते हैं, कौन से भगवान, कौन से गॉड को हम गॉड की पूजा करते हैं? हाँ, गणेश जी की, राइट? तो अभी आज तक हमने सीखा है कि अड़ू सीखा अलग अलग टाइप का, तो अभी डांस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डांस सीखना है हमें, तो हम पहले गणेश जी का ही डांस सीखेंगे, ओके? तो पहले नमस्कार करते हैं। अभी मैं आपको आज के पीरियड में ना, हम सिर्फ स्टेप्स, काउंटिंग्स पे स्टेप्स कैसे करना है ये सीखेंगे, ठीक है? और जो भी मैं म्यूजिक आपको बताऊंगी, जो भी सॉन्ग आपको बताऊंगी, जो हम स्टेप सीखेंगे ना, तो वो सॉन्ग पे आपको हमारे नेक्स्ट पीरियड तक आपको प्रैक्टिस रखना है, ओके? मैं अभी पीरियड, जैसे भी पीरियड्स अभी एंड में आपको वो जो भी म्यूजिक है, तो उसका एग्जैक्टली कौन सा म्यूजिक है, गणेश जी का कौन सा सॉन्ग है, कौन से सॉन्ग पे हमें प्रैक्टिस करना है, वो डिटेल सब बता दूंगी, ओके? तो पहले हम स्टेप सीखेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नमस्कार। हाँ, लेट्स स्टार्ट। स्टैंड प्रॉपरली, स्माइल ऑन योर फेस, ओके? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन, ओके? रिलैक्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डांस, ओके? तो पहले डांस कौन सा है, कौन से श्लोक पे है? गणेश जी का ही सॉन्ग है, लेकिन वो गणेश जी का एक श्लोक है, ठीक है? गणेश जी के बहुत सॉन्ग है, उसमें से अभी न्यू ही रिलीज हुआ है, शंकर महादेवन जी का सॉन्ग है, ओके? वो सॉन्ग पे हम डांस सीखने वाले हैं। लेकिन मेरे पीछे आप पहले वो श्लोक जो है वो आप मेरे पीछे बोलोगे, सो कौन सा है श्लोक? जब भी हम डांस स्टार्ट करने से पहले कौन सा श्लोक बोलते हैं? हाँ, आंगिकम भुवनम यस्य, राइट? आंगिकम भुवनम यस्य बोलने के बाद हम जो गणेश जी का है ना, वो उसको कंटिन्यू करेंगे गणेश जी का, ओके? लेट्स स्टार्ट विथ आंगिकम भुवनम यस्य। जॉइन योर हैंड्स, स्टैंड प्रॉपरली, और इफ यू आर कंफर्टेबल सिट डाउन। हाँ, स्पाइन इरेक्ट, स्माइल ऑन योर फेस, क्लोज योर आईज, से विथ मी। आपको अभी आता है अच्छे से आंगिकम भुवनम यस्य, ओके? तो मेरे साथ ही आपको बोलना है, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्व वाङ्मयम् आहार्यम चंद्र तारादी त्वं वंदे सात्विकं शिवं, त्वं वंदे सात्विकं शिवं। गुरु श्लोक, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओपन योर आईज, ओके? देखो, हम ये श्लोक जो भी बोलते हैं हर पीरियड में क्यों बोलते हैं, आपको पता है? हम जो भी, ये क्लासिकल जो भी डांस है ना, कौन सा भी क्लासिकल डांस लो आप, तो उसको हमारी भारतीय संस्कृति जुड़ी हुई है, ओके? तो हमारे भारतीय संस्कृति में गॉड को इम्पोर्टेंस है, राइट?
ब्लेसिंग के बिना कोई काम होता है हमारा? नहीं होता। तो गॉड का ब्लेसिंग, मैं जो भी डांस करने जा रही हूँ तो वो डांस परफेक्ट हो, और मैं जो भी आपको सिखा रही हूँ वो अच्छे से मुझे समझे, इसीलिए हम गॉड से ब्लेसिंग लेके ये डांस करने वाले हैं, राइट? तो इसीलिए हमने फर्स्ट श्लोक बोला, ठीक है? अभी एग्जैक्टली हम कौन से श्लोक पे डांस सीखने वाले हैं वो श्लोक मेरे पीछे पीछे, मैं एक लाइन बोलूंगी, मेरे पीछे आपको रिपीट करना है, क्योंकि आपको अगर वो श्लोक नहीं आया तो डांस का स्टेप भी आपको प्रॉपरली नहीं आएगा, ठीक है? फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अ श्लोका। व्हाट इज एग्जैक्टली, हाँ से पहले सुनो, मैं पूरा आपको सुनाती हूँ, ओके? मूषक वाहन मोदक हस्ता श्यामर कर्ण विलंबित सूता वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते विघ्न विनायक पाद नमस्ते विघ्न विनायक पाद नमस्ते। ओके, चार ही लाइनें सिर्फ, लेकिन वो म्यूजिक के साथ हमें अच्छे से करना है, हाँ? तो आपको थोड़ा थोड़ा मीनिंग भी क्या है ना इसका जान लेना है, ओके? क्या है मूषक वाहन, किसे कहा जाता है? ये मूषक जो वाहन है किसे कहा जाता है? गणपति जी का वाहन कौन है? कौन है सोचो, माउस, राइट? उंदीर जो हमें मराठी में बोलते हैं, राइट? तो मूषक वाहन उसे कहा जाता है। मूषक वाहन मोदक हस्ता, मोदक जिसके हाथ में लेके बैठा है कौन है? श्री गणेश। मोदक हस्ता श्यामर कर्ण, श्यामर कर्ण मीन्स क्या? मुझे बताओ, हाथी के कान कैसे रहते हैं? इसे बड़े बड़े रहते हैं, राइट? तो गणेश जी का फेस कैसा है, किसका है? हाथी का है, राइट? तो गणेश जी के कान भी कैसे होंगे फिर? ऐसे बड़े बड़े। तो इसमें स्तुति की है गणेश जी की, कैसे? कि श्यामर कर्ण, श्यामर कर्ण मीन्स ऐसे बड़े बड़े कान, हाँ। विलंबित सूत, हम जो गणपति को जनेऊ पहनाते हैं ना, तो वो है विलंबित सूत। वामन रूप, जिसका वामन रूप है महेश्वर पुत्र है। मुझे बताओ गणपति जी के डैड कौन है? शंकर भगवान, राइट? तो वामन रूप शंकर को महेश्वर भी कहा जाता है। बहुत से नाम है। अभी देखो, आपको एक ही नाम है क्या? अभी मम्मी किसी नाम से प्यार से अलग से बुलाती है, टीचर अलग नाम से बुलाती है, ओके, फ्रेंड्स अलग नाम से बुलाते हैं, ऐसे दो तीन नाम है ना। तो भगवान को भी तीन चार नाम, ऐसे अलग अलग बहुत नाम रहते। तो महेश्वर, नटराज, नटराज, महेश्वर, शंकर, महादेव, ये सब महादेव के नाम है अलग अलग। तो जो महेश्वर का पुत्र है, महेश्वर पुत्र गणपति है ना, ओके, तो इसमें ये कहा है महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक। अभी देखो, आपको कौन सा भी अगर प्रॉब्लम आया तो हम पहले किसे याद करते हैं? भगवान को, राइट? तो विघ्नहर्ता बोला जाता है गणपति को, इसीलिए इसमें कहा है कि विघ्न विनायक, हे विघ्न विनायक पाद नमस्ते मीन्स आपके चरणों को मेरा प्रणाम, हाँ। विघ्न, हे विघ्न विनायक, मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है सब दूर कर तू, ऐसे बोलते हैं ना। तो विघ्न विनायक पाद नमस्ते, तो आपके चरणों को मेरा प्रणाम है। तो पूरा आपको मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है? तो मेरे पीछे एक बार श्लोक रिपीट करोगे, फिर मैं आपको स्टेप बताऊंगी। मूषक वाहन, रिपीट विथ मी, मूषक वाहन मोदक हस्ता, ओके, मोदक हस्ता श्यामर कर्ण विलंबित सूता, विलंबित सूता वामन रूप, वामन रूप महेश्वर पुत्र
महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक, विघ्न विनायक पाद नमस्ते, पाद नमस्ते। ओके, तो पूरा श्लोक का मीनिंग आपको समझ में आया है, श्लोक क्या है वो भी समझ में आया है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ स्टेप्स। ओके, तो पहले अभी उसमें म्यूजिक है, तो पहले बीट के म्यूजिक को हमें क्या करना है। मैंने नमस्कार आपको सिखाया है, राइट? भरतनाट्यम के डांस स्टार्ट होने से पहले नमस्कार करके स्टार्ट करते हैं, तो वही नमस्कार म्यूजिक प्ले होने के बाद आपको करना है, लेकिन म्यूजिक के बीट के ऊपर प्रॉपरली। तो अभी हम 1 to 10 करते थे, ओके, सिर्फ काउंट करके, तो वैसे नहीं करना है। तो म्यूजिक के काउंटिंग के ऊपर, बीट के ऊपर आपको करना है, राइट? तो प्रॉपरली नमस्कार करेंगे फर्स्ट, ऐसे अच्छे से आपको खड़े रहना है, ओके? 1, स्लोली करना है। जो म्यूजिक ये डांस में कर रहे हैं ना हम नमस्कार, तो आपको स्लोली करना है, स्टार्टिंग फास्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ये नमस्कार होने के बाद, तो इसके बाद ना थोड़ा सा म्यूजिक रहता है, तो वहां पे क्या करेंगे हम, पुष्प अर्पण करना है। समझो कि गणपति की मूर्ति है आपके सामने, ओके? तो आपको पुष्प अर्पण कैसे करोगे, ये जो अपना पैर है, पहले बेंड डाउन करो अच्छे से, तो अपना जो जो राइट लेग है ना, वो ऐसे पीछे जाएगा लेफ्ट लेग के बैक साइड में। हाँ, सी, लेफ्ट लेग के बैक साइड में गया, तो पताक मुद्रा में यहाँ पे समझो ये पुष्प की प्लेट है, यहाँ पे आपके पास पुष्प मीन्स फ्लावर्स, ओके? आपके पास फ्लावर्स है, तो वो फ्लावर्स लेके आप ऐसे अर्पण कर रहे हो गणपति की जी के चरणों में। हाँ, 1, 2, 3 and 4। हाँ, ये कौन सा मुद्रा आया यहाँ पे, ये जो भी, देखो मैं जो भी आपको बता रही हूँ ना, डांस करते समय अपने बॉडी मूवमेंट्स, अभी इतनी देर हम अड़ूज की प्रैक्टिस सिर्फ करते थे, तो सिर्फ पैर हाथ, इट्स ओके, इतना ही प्रैक्टिस करते थे, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ डांस प्रॉपरली, तो हमारे बॉडी मूवमेंट्स, हमारा बॉडी पोस्चर्स, हाथों की मुद्रा, नेक मूवमेंट, आई मूवमेंट्स, फेस एक्सप्रेशंस, आपका बेंडिंग है जहाँ, कौन से बीट पे बेंड करना है, कौन से बीट पे रिलीज करना है, ये सब चीज़ों पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि आप अभी देखो कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए कि हम अड़ूज सीख रहे हैं, तो आपको अड़ूज की तो अच्छे से प्रैक्टिस, लेकिन ये बॉडी पोस्चर, स्माइल, अभी फेस एक्सप्रेशंस अलग अलग से इसमें देना पड़ेगा। अभी देखो मुझे एक बताओ, इसमें है एक वर्ड आता है कि विघ्न विनायक, अभी देखो आप स्माइलिंग फेस से ये कर रहे हो विघ्न विनायक, कैसे दिखेगा, लेकिन वही क्रोध से, यहाँ पे ऐसे क्रोध आना चाहिए कि विघ्न विनायक, ये कैसे इसको सूट करता है, राइट? विघ्न विनायक ऐसे स्माइलिंग फेस से किया तो चलेगा, विघ्नहर्ता, विघ्न विनाश करना है, तो ऐसे स्माइल से करोगे कैसा दिखेगा वो बताओ मुझे, कैन यू गेस, है ना, अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए वो सेंटेंस को कौन सा भाव अच्छा लगता है, कौन सा भाव सूट करता है, तो उसके हिसाब से हमें आई मूवमेंट्स, फेस एक्सप्रेशंस भी देना है, ये बात अच्छे से याद रखो। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने बताया कि पहले नमस्कार कर रहे हम, नमस्कार किया स्लोली, तो उसके बाद क्या है कि पुष्प अर्पण करना है, तो यहां से लिया 1, 2, नीचे झुकना है, 3, 4, स्माइल फेस पे, 1, 2, 3, 4, हाँ, पुष्प अर्पण करके फिर से ऐसे प्रणाम करके ना, आपको ऐसे ही रुकना है प्रणाम करके, ओके?
यहाँ तक आ गया है समझ में? यहाँ तक मैं रिपीट करूँ कंटिन्यूअसली? अभी पुष्प लेना है, ऐसे नमस्कार करके आपको ऐसे ही खड़े रहना है, ओके? तो इसके बाद है मूषक वाहन, ये श्लोक स्टार्ट होता है। यहां तक म्यूजिक है आपके लिए। हाँ, सो मूषक वाहन कैसे करेंगे हम? आपको तब क्या करना है, ऐसे करके फिर बेंड में, ये मुकुल है, आपको मैंने सिखाया है मुद्रा में मुकुल। हाँ, सो मूषक मूषक ऐसे करना है, 1 एंड 2। हाँ, सी निकालो, सी पूरा ये हाथ से ऐसे उल्टा सी निकालना है, सी मूषक वाहन शिखर मुद्रा। मैं जो भी आपको स्टेप्स बता रही हूँ, मुद्रा कौन से उस पे अच्छे से ध्यान देना है आपको, लेकिन मुद्रा मिस्टेक नहीं। देखो मूषक आप ऐसे करोगे या ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा, मुकुल जो है मुकुल यूज करना है, मूषक वाहन को शिखर यूज करोगे। हाँ, बेंड करना है अभी यहाँ पे, मूषक वाहन मोदक हस्ता, यहां से मोदक लेना है ऐसे, मोदक हस्ता, ओके? तो मोदक है, यहां से उठा के यहाँ पे ऐसे आपको पकड़ना है, मोदक हस्ता। मूषक वाहन मोदक हस्ता, देखो इसमें ये आप यहां से उठा रहे हो, यहां पे रख रहे हो, ऐसे नहीं, बॉडी मूवमेंट्स भी मोदक हस्ता। श्यामर कर्ण बेंडिंग पोजीशन ध्यान में रखो, क्योंकि ये कर रहे हो फिर बेंड छूट रहा है, ऐसे नहीं, बेंडिंग प्रॉपरली रहना ही चाहिए। श्यामर कर्ण को क्या करोगे, कर्ण हम त्रिपताक से दिखाएंगे, दोनों हाथ त्रिपताक में, श्यामर कर्ण मीन्स ऐसे बड़े सी, 1 एंड 2। तो एक साइड में आपको ऐसे टर्न करना है, अपनी राइट साइड जो है वो ऐसे बैक साइड जाएगी, श्यामर कर्ण, श्यामर कर्ण, आया समझ में यहां तक आपको, श्यामर कर्ण तक? मूषक वाहन से करके बताती हूँ, तो मेरे साथ अभी करो श्यामर कर्ण तक आप। हाँ, मूषक वाहन मोदक हस्ता, मूषक वाहन मोदक हस्ता, श्यामर कर्ण, श्यामर कर्ण, ओके? विलंबित सूत, अभी यहां तक बेंडिंग था, विलंबित सूत को हम स्ट्रेट करे रहेंगे, और क्या करना है, ये कौन सा मुद्रा है, चतुर, कौन सी मुद्रा है ये, चतुर, राइट? तो यहां से ऐसे लेना है चतुर, विलंबित सूत ऐसे करना है, विलंबित सूत, विलंबित हमें ऐसे चतुर्थ दिखाना है कि जो जनुअर है वो लंबा है, विलंबित है सूत जो पहना है। हाँ, तो ऐसे मीनिंग है उसका, तो विलंबित कैसे, विलंबित स्टेट दिखाएंगे, विलंबित सूत। आया समझ में यहां तक आपको? तो मूषक वाहन से यहां तक रिपीट करेंगे अभी विलंबित सूत तक। हाँ, मैं एक एक स्टेप ऐड करने जा रही हूँ, तो एक एक स्टेप तक हम पूरा करेंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। सी, डायरेक्टली मैंने सॉन्ग प्ले किया और ऐसे करो बोला तो आएगा आपको? नहीं आएगा, तो इसीलिए आपको ये स्टेप बाय स्टेप में जो वर्ड बाय वर्ड आपको बता रही हूँ, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस रखना है। हाँ, सी मूषिक वाहन मोदक हस्ता
शामर कर्ण विलंबित सूता। जब ये करोगे ना तब सी ऐसे रहोगे, तो विलंबित जब करोगे तब अपने पैरों को अपने आप पास में लेना है साइमल्टेनियसली। ओके ऐसे रहोगे शामर कर्ण विलंबित सूत, विलंबित सूत ऐसे करो, विलंबित दिखाया फिर सूत यहां से डायरेक्ट यहां पे। विलंबित सूत। फिर है वामन रूप। हाँ तो वामन रूप कैसे दिखाना है हमें, वामन शिखर मुद्रा ऐसे एकदम कड़क पोजीशन में आपको रुकना है। हाँ तो ऐसे ढीले ऐसे नहीं रुकना है हमें, ऐसे वामन। तो रूप कैसे दिखाना है, देखो अभी क्या करना है, पैर बताती हूँ रूप के। हाँ तो अपने पैर को टैप करके ऐसे पीछे जाना है आपको। कैसे जाओगे, सी मैंने क्या किया, अपना राइट लेग टैप किया, वन देन टू, उसी पोजीशन में अपना पैर क्रॉस में जाएगा, ऐसे नहीं। ओके बैक साइड नहीं लेके जाना है, आप जहां पे खड़े हो वहां से क्रॉस में अपना आपका पैर जाएगा टैप करके, और दूसरा पैर जो है वो ऐसे अप करना है हमें, अपना जो पाम है तो अप साइड रहेगा। ठीक है तो कैसे है, वन ओके समझ में आया, वन। चलो पैरों की प्रैक्टिस करो मेरे साथ अभी, सी माई लेग्स हाउ आई एम डूइंग प्रॉपरली। ओके कैसे है, सिर्फ टैप करना है, अपना राइट लेग टैप करना है हमें, इसमें कोई बड़ी बात मीन्स ऐसा इजी है, हार्ड नहीं है स्टेप, सिर्फ टैप करोगे, वन एंड टू। हाँ समझ में आया पैरों का स्टेप। तो वामन रूप, वाम रूप कैसे दिखा रहे, वामन कहा मैंने ऐसे बताया, तो रूप कैसे है, पैरों का तो स्टेप बताया, तो रूप क्या करोगे, पूरा अपना ऐसे रूप बताना है हमें। पहला पहले कटका मुख मुद्रा में ऊपर रहेगा अपना हाथ, वन एंड टू, ये कौन सा है मुद्रा, अलपद्म, राइट वामन रूप। जब बैक साइड जा रहे हो तो अपने हाथ ऊपर जाना है ऑटोमेटिकली, देन रूप को अपना पूरा शरीर दिखाना है हमें। ठीक है तो कैसे है, वामन रूप ऐसे दिखाना है, रूप वामन रूप, आया समझ में। चलो मेरे साथ करो अभी, वामन रूप महेश्वर पुत्र। महेश्वर नटराज की मूर्ति आपने देखा है क्या, सबने नहीं देखा तो सर्च करो, क्लास होने के बाद, अभी नहीं सर्च करो। तो कैसे है नटराज खड़े, कैसे है उनका पैर, राइट ऐसे है, तो पॉइंट आउट ये पैर ना ऐसे स्प्रेड भी नहीं करना है, जब आप अपना लेफ्ट लेग यहाँ पे ऐसे है राइट, तो अपना जो पैर है ना तो वो पॉइंट आउट करना है, जैसे मैंने किया है कि अपना पैरों को ऐसे स्प्रेड नहीं करके खड़े रहना है, ऐसे अपना पैर पॉइंट आउट करोगे, बैलेंस योर सेल्फ, तो ऐसे दिखाओगे। वामन रूप हो गया ना, वामन रूप महेश्वर पुत्र। ओके कैसे है महेश्वर, कैसे है पताक मुद्रा में रखो ऊपर वाला हाथ और नीचे का भी। महेश्वर, महेश्वर को आपका पैर साइड में जाएगा राइट, महेश्वर को आपका पैर साइड में जाएगा राइट, तो जो पैर आप वहां पे लेके जा रहे ना ऐसे, हाँ तो वही पैर आपको बेंडिंग पोजीशन में साइड में रखना है। महेश्वर पुत्र, पुत्र हमें ऐसे दिखाना है और उसकी तरफ ऐसे देखना भी है हमें, महेश्वर पुत्र। तो महेश्वर पुत्र तक कंटिन्यू करेंगे
मूषक वाहन से। हाँ, लेट्स स्टार्ट। पहले तो नमस्कार है, फिर पुष्प अर्पण करना है, उसके बाद मूषक वाहन। हाँ, मूषक वाहन, सॉरी, मूषक वाहन मोदक हस्ता, मोदक हस्ता शामर कर्ण विलंबित सूत वामन रूप महेश्वर पुत्र। आया समझ में? महेश्वर पुत्र तक। नाउ क्या है? विघ्न विनायक पाद नमस्ते। तो अभी देखो सॉन्ग में ना दो तीन बार ये रिपीट हो रहा है, विघ्न विनायक पाद नमस्ते, राइट? तो कैसे करोगे आप? फर्स्ट वन क्या करना है हमें? तो क्या करना है, देखो अपना हाथ है, ये कौन सी मुद्रा है? सूची, राइट? तो ऐसे करना है, विघ्न विनायक, क्रोधित भावना से, विघ्न विनायक पाद नमस्ते। तो पाद नमस्ते हमें क्या करना है, पैरों का मूवमेंट, ये पैर फिर से हमारा पीछे जाएगा, त्रिपताक दोनों हाथ के मुद्रा, पाद अप साइड, अप डाउन, ओके, पाद नमस्ते, पाद नमस्ते। आया समझ में? विघ्न विनायक पाद नमस्ते, विघ्न विनायक पाद नमस्ते। एक बार ऐसे किया तो सेकेंड टाइम कैसे करना है? दो तीन बार रिपीट है तो कैसे करोगे? विघ्न विनायक पाद नमस्ते। आया समझ में? तो ऐसे करना है हमें पूरा। सो नट्टाडू का फर्स्ट स्टेप आपको सिखाया था मैंने, तो वो इसमें ऐड करना है। हाँ, कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हमारा डांस एंड होता है। तो आया यहाँ तक पूरा स्टेप समझ में आपको? तो पूरा यहाँ तक करेंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग बिगिनिंग नमस्कार। हाँ, आपको लगता है कि टीचर ने स्टेप्स बताए सिर्फ म्यूजिक पे नहीं किया, तो म्यूजिक पे क्यों नहीं किया कि आपको कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए आपको स्टेप्स काउंटिंग पे पहले प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप्स काउंटिंग पे और गाना एक बार आ गया आपको, गाने बोलने आ गया, अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, तो नेक्स्ट पीरियड में हम म्यूजिक के ऊपर डांस करने ही वाले हैं, ठीक है? तो अभी हम फ्रॉम द बिगनिंग नमस्कार टू एंड नट्टाडू का जो ये है तो ये वाला करने वाले हैं। हाँ, उससे पहले मैंने एक्सरसाइज, नीचे बैठना ऊपर उठना जो भी अरामंडी का एक्सरसाइज है आपको बताया था, वो भी यहाँ पे यूज हो रहा है। मुझे बताओ ये कौन सा मुद्रा है? कपित्य, राइट? तो दोनों हाथ कपित्य मुद्रा में। तो धीरे धीरे आपको नीचे बैठना है विथ आई मूवमेंट्स। आई मूवमेंट्स बताया, कौन सा आई मूवमेंट्स करना है यहाँ पे आपको? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, उसके साथ नेक भी, हाँ, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ओके। तो कपित्य मुद्रा में हाथ, एंड ऐसे है डांस का। ये जो नट्टाडू हो गया, दो बार किया, तो उसके बाद ये हमें ऐसे नीचे नीचे बैठना है, फिर एंड हो गया डांस का। कपित्य मुद्रा में दोनों हाथ ऐसे मत पकड़ो, हाँ, बिल्कुल टाइट। देन टेक अ लिटिल बिट डिस्टेंस इन योर लेग्स, देन स्लोली स्लोली हमें नीचे बैठना है, लेकिन आई मूवमेंट्स करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे ऐसे एंड। आया समझ में? ओके, कैसे बैठना है? तो पूरा यहाँ तक करेंगे अभी। लेट्स स्टार्ट विथ नमस्कार।
स्माइल ऑन योर फेस, पूरा आपको वन बाय वन समझ में, अभी आप देखो, अभी आप मत करो मेरे साथ, पूरा आपको वन बाय वन स्टेप मैंने बताया है, पहले देखो अभी, फिर एक बार हम रिपीट करेंगे तो मेरे साथ आप करोगे, हाँ, तो प्रॉपरली पूरा आप देख सकते हो। डू इट प्रॉपरली, हाँ, पुष्प लेना है, अर्पण करना है ऐसे, देन प्रणाम, मूषिक वाहन मोदक हस्ता शामर कर्ण विलंबित सूत वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते विघ्न विनायक पाद नमस्ते 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 1 2 3 4 5 6 7 8 देन नमस्कार। गॉट इट? पूरा समझ में आया आपके अभी? हाँ, तो आपको नेक्स्ट पीरियड तक इसका प्रैक्टिस रखना है अच्छे से। ये पीरियड के एंड में अभी आपको, पीरियड खत्म होने के बाद आपको लिंक दिया जाएगा, हाँ, तो यूट्यूब पे जाके आप वो लिंक का गाना सर्च करना है आपको, और वो गाना प्ले करके कर सकते हो, अदरवाइज मीन्स आपको श्लोक याद नहीं है तो सॉन्ग प्ले करो, क्योंकि हमने अभी सॉन्ग के ऊपर डांस नहीं किया है, मैंने सिर्फ रिदम बीट पे आपको बताया है, तो बीट पूरा आपको समझ में आया है, लेकिन श्लोक अगर याद में नहीं आता तो गाना प्ले करके आप कर सकते हो, और आपको नेक्स्ट पीरियड तक गाना 3-4 बार रिपीट आपको वो सॉन्ग अच्छे से सुनना है, हाँ, क्योंकि अगर सॉन्ग आपके दिमाग में अच्छे से फिक्स बैठ गया, फिक्स आ गया, एग्जैक्टली रिदम क्या है वो समझ में आ गए ना, तो आपको डांस अपने आप इजीली आ जाएगा, तो मुझे छोटे छोटे बीट आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, हाँ, आपको ही अपने आप अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आपको लिंक दिया जाएगा, तो वो लिंक आपको सर्च करना है और गाना आपको सुनना है, और क्या करोगे, बीट के ऊपर आपको डांस की प्रैक्टिस भी रखना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, तो अभी सॉन्ग सुनेंगे हम, आप सुनो, मैं अभी प्ले करती हूँ सॉन्ग, आपको सुनना है सिर्फ, हाँ, तो एग्जैक्टली आप सर्च करने के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैम ने कौन सा सॉन्ग बताया, लिंक तो दिया जाएगा, फिर भी अभी सॉन्ग सुनो आप, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है? तो डांस क्लास अभी हमारा खत्म हुआ, सॉन्ग होने के बाद एंड होगा, तो अभी नमस्कार करके हम एंड करेंगे। डू प्रॉपरली नमस्कारा विथ मी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स, अभी बैठ जाओ आराम से और सॉन्ग सुनो, ओके? मूषिक वाहन मोदक हस्ता चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र पाद नमस्ते विघ्न विनायक पाद नमस्ते
विनायक पाद नमस्ते विघ्न विनायक पाद नमस्ते